हाय फ्रेंड्स, अपने पिलो के नीचे बहुत सारे चिट्स रखने की, पेपर्स रखने की टेक्निक्स हमने देखी है, काम भी करते हैं वो सब, लेकिन वो सारे के सारी चीज़ें हमें कुछ टाइम तक कंटिन्यूस करनी होती है तब, राइट? लाइक 21 डेज करना है, हर चीज़ को तो 21 डेज करना ही होता है चिट्स को रखने का काम। दिक्कत यह है कि डेली लाइफ में हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं, या 21 डेज कंटिन्यूएशन में मतलब एक पूरा डिसिप्लिन बना के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग मिस कर जाते हैं। आज एक ऐसा टेक्निक बोल लीजिए, उपाय बोल लीजिए, जो बोलना है, ये चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है वो सिर्फ ये है कि वन टाइम एक्टिविटी है। ओके, मुझे, मैं जब कुछ बताती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक बार में करो और ख़त्म, बार बार नहीं करना पड़े, क्योंकि बार बार करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। और बार बार करने से असल में क्या होता है, चीज़ों को होल्ड करके बैठे होते हैं हम, ठीक है? आज भी करना है, अच्छा अभी भी करना है, इसको एक बार करना है, इसको रखना है और भूल जाना है। भूल जाना मतलब बस छोड़ दो ना, कर दिया काम हमने अपना, ख़त्म उसके बारे में। और आप वैसे भी अपने कामों में बिजी हो ही जाते हैं हम लोग, तो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ के बैठ सकता अगर वन टाइम एक्टिविटी है। तो आज फिर हम वन टाइम एक्टिविटी करेंगे, और ये सिंपल हम अगेन 369 को यूज़ करेंगे। 369 के बार्स बहुत 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 है, सक्सेसफुल नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है, सक्सेस का नंबर है, हम सब जानते हैं, राइट? मैंने अभी 369 की एक वीडियो भी डाली थी एंड उसके भी रिजल्ट्स बहुत ऑसम हैं। बट ये जो है, ये क्या करोगे, सिंपल सा देखो, मैंने ये पेपर पे बनाया हुआ है, इस तरह का एक स्टार बनाओगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो, एक ट्रायंगल बनाया पहले, ठीक है, और फिर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया अपोजिट में, तो ये बन गया आपका एक स्टार। इस स्टार के बीच में आप 369 लिखोगे। ओके, 369 नंबर आपने लिख दिया यहाँ पे। ये इस तरह का एक पेपर, आप, मैंने थोड़ा बड़ा लिया है बिकॉज मुझे आप लोगों को दिखाना था, आप चाहो तो छोटा सा एक मतलब इतना छोटा सा भी एक पेपर ले लोगे, उस पर भी छोटा सा स्टार बना के अपने इंटेंशंस लिख सकते हो। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे बनाना है, ठीक है? सो इस तरह का एक स्टार बनाओगे, उसमें 369 लिखोगे आप लोग, ठीक है? अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें मल्टीपल विशेज, क्योंकि हम सब बहुत सारी विशेज होती हैं हमारी, एक नहीं होती, ठीक है? तो हमें लगता है कि एक बार में ऐसा काम हो जाए जिसमें बहुत सारी विशेज आ जाए, तो और इस तरह की क्वेरी भी आ रही थी, तो आई वॉन्टेड टू डिज़ाइन समथिंग लाइक दिस कि जिसमें हम एक साथ कई सारी विशेज हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी है, प्लीज़ ज़रूर करना एक बार, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ना नहीं, एक बार का है करके आप अपने पिलो में डाल देना, बेड के नीचे डाल देना। जो पिलो नहीं लेते हैं उनकी क्वेरीज आने लगती है, हम पिलो नहीं लेते, जिस गद्दे पे सोते हो उस गद्दे के नीचे डाल दो, बात खत्म। ओके, पिलो हम इसलिए बोल देते हैं कि आप सिरहाना सिर रखते हो उसके ऊपर, मेन यहाँ पे होता है, ठीक है, कि हमारे माइंड से क्या, माइंड में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है रात में सोते टाइम पे, ठीक है? और ये रात में ही करना है, जिस भी दिन से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो अगर स्टार्ट क्या कर रहे हो, ए वन टाइम एक्टिविटी है, तो किसी भी दिन एक उठा लो, रात में सोने से ठीक पहले एक पेपर ले लो, उस पर रेड कलर के पेन से, रेड के अलावा अगर कोई यूज़ करना है तो ब्लू कर लो, लेकिन बेस्ट है रेड, ठीक है, बार बार बता रही हूँ, रेड बेस्ट है। रेड ले लिया, रेड कलर के पेन से इस तरह का स्टार बना लिया, बीच में बड़ा सा 369 लिख दिया, बिकॉज यही वो नंबर है जो हमें इन सारे फील्ड्स में सक्सेस देगा। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, जो मिनी मिनी ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स, सी ये जो ट्रायंगल्स हैं ना, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ओके, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स, वो सारे एब्जॉर्बर्स होते हैं, और ये स्टार अगर है और बीच में 369 है, देन ये इसको बहुत पावरफुल बना देता है, बहुत बहुत पावरफुल। अब क्या करोगे, आपकी जो जो विशेज हैं उसको यहाँ पे इन सारे ट्रायंगल्स में आप लिख सकते हो। अगर किसी की सिक्स, ये हो गए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, सिक्स ट्रायंगल्स होगा साइड में, राइट? अगर आपके पास सिक्स विशेज नहीं है, कम है, तो आप रिपीट कर सकते हो, मतलब ये सारे ट्रायंगल्स को फिल करना है आपकी विशेज लिख करके। अब विशेज में क्या पूरा सेंटेंस लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला वर्ड ब्रिंग लिखोगे, ब्रिंग, हर विश से पहले आपको ब्रिंग लिखना है। अब अगर मान लो किसी को जॉब चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे ब्रिंग जॉब। ओके, अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है आपके दिमाग में, तो उसका नाम लिख सकते हो, ब्रिंग जॉब एंड दैट कंपनीज नेम, बस। ये तीन वर्ड्स में हमें बहुत आसानी से क्लियर हो रहा है कि हमारी क्या विश है, और यूनिवर्स में भी वही जो वाइब्रेशंस हैं वो जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही सेकेंड में अगर आपने लिखना है कि स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ जाए, ब्रिंग SP कॉल, बस खत्म। अगर कमिटमेंट चाहिए, ब्रिंग SP कमिटमेंट, या SP की जगह आप नाम लिख सकते हो, ब्रिंग कमिटमेंट भी लिख सकते हो।
सिर्फ एक वर्ड हमारी विश के लिए, और उस एक वर्ड से हमें क्लियर रहता है कि हमारी विश क्या है। सो जरूरी नहीं है कि इस स्टार के अंदर आप, इस ट्रायंगल के अंदर आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, नहीं, ब्रिंग वर्ड जरूर लिखना है। बार बार बोल रही हूँ, ब्रिंग को खत्म नहीं करना है, ब्रिंग वर्ड का रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो सबसे पहले ब्रिंग रहेगा। अब यहाँ पे अगर मान लो नेक्स्ट है आपको अपनी स्किन के लिए चाहिए, ओके, तो ब्रिंग ब्यूटिफुल स्किन। ओके, हाइट के लिए चाहिए, ब्रिंग, अगर कोई स्पेसिफिक हाइट है तो वो नंबर एंड हाइट। ओके, सो इस तरह से करके आप ये सारे जितने एंगल्स हैं इनको आप भर सकते हो। स्टार्ट ब्रिंग वर्ड से करोगे और अपने विश से रिलेटेड एक वर्ड, दो वर्ड जो भी है स्पेसिफिक वो मेंशन करोगे, बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, हो गया खत्म। अब यहाँ पे ये जब फिनिश हो गया, ये पूरा लिख दिया आपने, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे जो स्टार, ये ट्रायंगल के ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ सिंपल सा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सब कुछ रेड कलर का रहेगा। ब्लू से लिख रहे हो तो सब कुछ ब्लू कलर का रहेगा। लाइन पेपर्स नहीं चलेंगे, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए। ओके, सो इस तरह का प्लेन पेपर, ऐसा आपने स्टार बनाना है। आई होप अब क्लियर है। इसको बना के आप अपने पिलो के अंदर रख दो, पिलो के नीचे रख दो, पिलो नहीं लेते हो, जिस बेड पे सोते हो अपने सिरहाने सिर के नीचे, गद्दे के नीचे रख दो, ठीक है, बेडशीट के नीचे डाल दो। बहुत बहुत क्लियर बता रही हूँ, कोई क्वेरीज नहीं अननेसेसरी की कि हम पिलो नहीं लेते हैं, हम गद्दे पे नहीं सोते। जहां पे भी आप सो रहे हो अपने सिरहाने के नीचे रखोगे। ओके, सो इस तरह से करके बहुत इजी रखना है, और ये वन टाइम एक्टिविटी है, इसको करके वहां पे छोड़ देना है जब तक कि आपकी सारी विशेस फुलफिल नहीं हो जाती हैं, तब तक कि इसको कोई फाड़ना नहीं है, कोई डिस्पोज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब सारी विशेस लगे कि वन बाय वन करके सारी विशेस मैनिफेस्ट हो गई हैं, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस पेज को फाड़ के आप डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप प्लांट्स में डाल दो, या फिर आप बर्न करके इसको मिट्टी में डाल दो, जैसे भी करना है इसको फिर आप डिस्पोज कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल रखना है, बट दिस विल वर्क एंड दिस इज वर्किंग, तो इसको जरूर करना है। एंड यस, क्वेरी आती है कि पीरियड्स में कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हो, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पीरियड में करने का। और रात को ही करना है या मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप चाहो तो मॉर्निंग में लिख के पिलो के नीचे रख के जा सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को ये है कि मॉर्निंग में अगर उठ करके कोई पिलो का कवर चेंज करें या कुछ और करें, तो पेपर निकाल करके हम अपने पास रख सकते हैं, फिर वापस से उसमें डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हो आप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप इस तरह का कर सकते हो कि आप सुबह उठ करके पेपर को निकाल करके अपने कहीं सेफ पे रख लो, और फिर रात में वापस से पेपर वहां पे आप डाल दो। अगर इनकेस बीच में पेपर फट जाए किसी वजह से, किसी ने किसी भी वजह से पेपर ये वाला फट जाता है, तो आप एक नया शीट बना लीजिए और उसको रखिए। बहुत ईजी रहना है, अपने माइंड में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं कि अरे पेपर तो फट गया, अब क्या होगा, मेरी विश मैनिफेस्ट होगी कि नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बट हाँ, कोशिश यही करनी है कि एक ही पेपर आपका हमेशा चलते रहे। तो इसको आप चाहो तो फोल्ड करके भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इसको स्ट्रेट ही रहने दें, फोल्ड वोल्ड ना करें, इसे स्ट्रेट ही आप पिलो के अंदर डाल दें, कवर के अंदर और या फिर बेडशीट के नीचे। और अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि ये फट गया या कुछ और मिसप्लेस हो गया, नया बना करके डाल दीजिए, ठीक है। इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने थॉट से, क्योंकि थॉट्स ही हैं वो सारा काम जो कर रहे हैं। ओके, सो अननेसेसरी कोई भी नेगेटिव थॉट मत क्रिएट करिएगा, कभी भी नहीं। और अगर हाँ, वो लोग जो कि अगर अपने पिलो के नीचे रख चुके हैं और कहीं और जा रहे हैं ट्रैवल पे, घूमने जा रहे हैं, वो क्या करें, तो वो क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप घूमने गए हो या ट्रैवल में गए हो, अगर आप चाहो तो एक चिट वहाँ पे बना के, अगर आप 3-4 दिन के ट्रिप पे हैं तो वहाँ पे डाल सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। जितने दिन आप हो, जब वहाँ से निकल रहे हो तो आप उसको लेके निकलो। ओके, सो आप जिस भी जगह सोने जा रहे हो वहां ये चिट आप डाल सकते हो, लेकिन परमानेंट आपने वहीं पे डालिए जहां आपका बेडरूम है, जहां आप हमेशा रहते हैं, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा जब आप इससे कर रहे हैं एक्टिविटी, कि इस पेपर को नुकसान भी ना हो, सीधा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर इनकेस कभी हो जाता है तो उसको चेंज कर लीजिए, बहुत ईजी है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, एंड यस, कीप मैनिफेस्टिंग जल्दी जल्दी। 369 may bring all happiness to all of you and success in all of your life. Thank you so much. God bless you all.